हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू एफ एल पी प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ, और नोवेस्ट टेक दोनों भी। और आज आप लोग का थोड़ा सा वॉइस मुझे मेरा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सर्दी हो चुका है इसी वजह से, ठीक है। और थोड़ा सा इसी वजह से जो भी एफ एल पी प्रोजेक्ट है वो लेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे एफ एल पी प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, बट थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इस सप्ताह का उसमें दो दो एफ एल पी और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। क्योंकि सप्ताह तो अभी ख़त्म हो चुका है, बृहस्पति हो गया और कल शुक्रवार है, फिर उसके बाद शनिवार है, फिर उसका संडे को। तो कोशिश करेंगे कि लाइव आकर आप लोगों से बात करने का, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये एफ एल पी आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है, तो बता सकते हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग आप लोग को कौन सा चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उसी सॉन्ग पर आप लोग को वो एफ एल पी प्रोजेक्ट देने का, ठीक है। तो चलिए आज का एक एफ एल पी प्रोजेक्ट देखते हैं और सुनते हैं किस तरीके से सॉन्ग को रिमिक्स किया गया है और कैसा है। और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा कम से कम, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना एफ एल पी प्रोजेक्ट और कैसा है, ओके ना। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से प्ले प्रोजेक्ट है और कौन सा सॉन्ग है थंबनेल में देख लिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सॉन्ग को थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा अलग ही वाइब्रेशन टाइप का प्लस क्लैपिंग टाइप का, मतलब इसमें थोड़ा सा क्लैप का ज़्यादा यूज किया गया है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा सॉन्ग को सुन भी सकते हैं किस तरीके से इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हटाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब मेरा जो बैकग्राउंड था म्यूजिक वो किस तरीके से हटाया गया है वो बहुत सारे वीडियो मैंने बना चुका है ऑलरेडी पीछे, ठीक है। अगर आप नए हो तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। फिलहाल पहले ये एफएलपी आप लोग पूरा देख लीजिए, ठीक है। और चलने से पहले एक और बात मैं बता दूँ आप लोग को कि आप लोग बराबर कॉल मैसेज करते रहते हैं या कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं कि पासवर्ड नहीं मिल रहा है। भाई पासवर्ड रहता है, ठीक है, आप स्किप करके देखिएगा तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बहुत मुश्किल से मतलब पासवर्ड आप लोग के साथ मतलब एफ एल पी शेयर किया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हैं पता नहीं, ठीक है। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, एफ एल पी का। ऐसा नहीं कि मतलब हम आप लोग को शेयर कर रहे हैं तो आपको जैसा मन किया वैसा करके बनाना चालू किए, कुछ भी करना चालू किए, वैसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ सीखना है उस एफ एल पी प्रोजेक्ट से, ठीक ना। एक्चुअली जो मैं बात बता रहा हूँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस एफ एल पी में मैंने दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एफ एल पी प्रोजेक्ट हो या कोई बंदा दे रहा है वो किस लिए देता है कि आप लोग उससे कुछ सीखें, ना कि उसका कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दे। एक बंदे कुछ दिन पहले मेरा क्या किया, एफ एल पी तो डाउनलोड किया, खुद का अपना प्रमोशन करवा रहा है कि मैंने खुद से वहाँ पर क्रिएट किया। जब मेरे को वो बंदा भेजा तो उसका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन बहुत जितना भी चेक करा सब मेरा वहाँ पर भरा हुआ है, मोबाइल नंबर मेरा डाला हुआ, इतना मतलब वो पागल लड़का है, ठीक है। फिर भी तो इसलिए कुछ भी कीजिए, लेकिन इस जो एफ एल पी दे रहे हैं उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत यूज कीजिए एफ एल पी का, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल हम देखते हैं अपना एफ एल पी प्रोजेक्ट सॉरी पैटर्न। मैं थोड़ा सा एडियम मिक्स कर रहा था तो यहाँ पे एक बनाया भी था टोन, देख सकते हैं, बट छोड़ा हटाओ नहीं बनाना है, अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं ज़्यादातर ये बनाता नहीं हूँ। फिर ट्राई किया था, ठीक है, ट्राई किया था तो अच्छा तो लग रहा था, बट छोड़ दिया उसको, ठीक है। बहुत सारा वोकल भी इसको मतलब निकाला, एक पहला निकाला एडोब एडिशन से निकाला, फिर उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आता है, मतलब फ्री वाला सॉफ्टवेयर आता है, एक तो एडोब एडिशन आता है वो तो पेट का है, फिर उसके बाद एक फ्री का सॉफ्टवेयर आता है उससे भी निकाला, फिर उसके बाद वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, स्प्लिटर एक वेबसाइट आता है वहाँ पे जा करके, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, किस तरीके से निकाला जाता है। अगर नहीं आता समझ में तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर समझा दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर देखते हैं, और ये थोड़ा सा एडीएम मिक्स होने वाला है तो इसके लिए कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अगर अच्छा लगेगा तो ऐसे नहीं भाई, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स बता सकते हैं किस तरीके से आप लोग को ये सॉन्ग लगा, ठीक है, अच्छा लगा हो तो कम से कम भाई एक लाइक तो बनता है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को टारगेट कुछ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग टारगेट के चक्कर में FLP क्या मतलब कमेंट में ऐसा ऐसा कलर डालते हो कि मत पूछो, ठीक है। तो इसलिए मैं आप टारगेट नहीं डाल रहा हूँ, बट हाँ जो मेरा एक चैनल है, ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर उस चैनल पे नहीं विजिट किए तो एक बार जरूर जाके विजिट कीजिए, ठीक है। हो सकता है तो कभी कभी उस पर भी FLP का पासवर्ड शेयर किया जाए, और हो सकता है तो उस पर ब्लॉगिंग का जो भी रिलेटेड हो तो उस पर अपलोड हो वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वहाँ पर जाके एक बार जरूर विजिट कीजिए, और नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक ना। इस FLP से आप लोग जरूर कुछ सीखिएगा जब डाउनलोड कीजिएगा तो, ठीक है। किस तरीके से मतलब बनाया गया है बीट, ठीक है, यहाँ पे EDM मिक्स किया गया है, और आप लोग को एक किक का अलग सैंपल भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो बता सकते हैं, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, सब्सक्राइब भी मत करना, लाइक भी मत करना, डिसलाइक ठोक के जाना अच्छा नहीं लगा हो तो, ठीक ना। बट कमेंट जरूर करना है कहाँ पर प्रॉब्लम आया है, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे रोकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट FLP प्रोजेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो और नए नए सॉन्ग के FLP प्रोजेक्ट के साथ। तो जब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।